मित्रों नमस्कार, मैं हूं आशीष मौर्य आपके साथ और आप देख रहे हैं आरजी न्यूज। आरजी न्यूज में आपका स्वागत है। चेंगी के नाम पर पुलिस की गुंडागर्दी एवं अभ्रत भाषा को लेकर किया विरोध। बजरंगी लाल जन कल्याण सेवा समिति ने एसएसपी को दिया ज्ञापन। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश जिला बरेली में सरकार के आदेश के अनुसार पुलिस द्वारा चौराहे पर चेकिंग की जा रही है, लेकिन अब पुलिस द्वारा चेकिंग के नाम पर जनता से गुंडागर्दी एवं अभ्रत भाषा का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। पुलिस सरकार के आदेश की नाफरमानी करके अपने मनमाने तरीके से चेकिंग करने पर उतर आई है, जिसका नजारा इस्लामी मार्केट स्थित खलील हाई सेकेंडरी स्कूल के पास बिहारीपुर पुलिस चौकी इंचार्ज के द्वारा चेकिंग करने के दौरान मारपीट करने का जो वीडियो वायरल हुआ है वह अत्यंत ही अशोभनीय है। बजरंगी लाल जन कल्याण सेवा समिति अपनी मांग करती है कि बिहारीपुर चौकी इंचार्ज एवं सिपाही को तत्काल सस्पेंड किया जाए एवं पुलिस को चेकिंग द्वारा गुंडागर्दी करने से रोका जाए। यदि पुलिस इस प्रकार चेकिंग करती रही एवं पुलिस की इस प्रकार की गुंडागर्दी चलती रही तो बजरंगी लाल जन कल्याण सेवा समिति उग्र आंदोलन को बाध्य होगी। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष अमन सक्सेना, प्रदेश महासचिव मलिक राजपूत, जिला उपाध्यक्ष निर्मल राजपूत, महानगर अध्यक्ष हिमांशु टंडन, मंडल उपाध्यक्ष आशीष ठाकुर, जिला सचिव रजत गोस्वामी, अमन यादव आदि लोग मौजूद रहे। सर, लॉकडाउन के बाद जो पुलिस जगह जगह सड़कों पर चेकिंग कर रही है, उससे आप पुलिस चेकिंग करिए, चेकिंग के बाद आप पुलिस का हाल ये हो गया, पुलिस गुंडागर्दी मनमानी को चली जाएगी। योगी जी, माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी का आदेश था कि जिसके पास हेलमेट है और सारे कागज हैं, बाइक पर दो लोग मास्क लगा हुआ, उन्हें ना रोका जाए, उनकी चेकिंग ना कर दिया, नहीं उनको रोक के उनकी बेपे चलान गाड़ियाँ साथ जाकर उन्होंने बाबू चलान गाड़ी आ रहे हैं, साथ ही उन्हें रोक के कागज ना दिखाने पर उनके साथ मारपीट करी जा रही। मैं अमन सक्सेना, अमन सक्सेना, प्रदेश अध्यक्ष बजरंगी लाल जन सेवा समिति। सर, बरेली में जिस तरह पुलिस चेकिंग कर रही है, चेकिंग तक सही, लेकिन पुलिस सरकारी आदेश को भूलकर गुंडागर्दी और मनमानी में उतरी आई है। कागज सारे होने के बावजूद, हेलमेट होने के बावजूद, मास्क होने के बावजूद भी चलान करे आ रहे हैं, जबरदस्ती उनके चलान काटे आ रहे हैं, कागज पुलिस से पूछने पर कि चलान क्यों, उस पर पूछने पर पुलिस गुंडागर्दी कर रही है। परसों बिहारपुर चौकी इंचार्ज देवेंद्र सिंह जी के द्वारा चेकिंग के दौरान दो लड़के जो हेलमेट लगाए हुए थे, उनसे सिर्फ उन्हें सिर्फ चेकिंग के बारे में पूछने पे उनके साथ मारपीट करी गई, उनकी बैग तोड़ी गई, उनके डंडा मारा गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इससे काफी आक्रोश है, पुलिस नियमानुसार काम करे। अगर पुलिस गुंडागर्दी करेगी, गुंडागर्दी चेकिंग करेगी, तो उसको बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कराया जाएगा। इसको लेकर हम आज माननीय एसपी साहब जी से शिकायत करने आए कि इस पर कार्रवाई करी जाए, पुलिस नियमानुसार कार्रवाई करे, चेकिंग नियमानुसार करी जाए, जो नियम सरकारी गाइडेंस चेकिंग करिए, पुलिस की गुंडागर्दी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करी जाए। पुलिस गुंडागर्दी साथ साथ अब वसूली भी आमादा हो गई चेकिंग के नाम पर, आम आदमी का बिल्कुल जीने दुश्वार कर दिया है। हम सपनों को साकार करते हैं, देते हैं पंख आपके हौसलों को, दिखाते हैं राह उज्जवल भविष्य की, हम रखते हैं अरमानों की नींव, नींव शिक्षा की, ख्वाबों को हकीकत बनाने की, राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की एकमात्र राह स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, जहां शिक्षा एक जुनून है, एजुकेशन इज अ पैशन।